अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामिक वीडियो ऑफिशियल की जानिब से आपका दोस्त हसीब अली एक बार फिर एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, सबसे पहले तो उन दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है और वो अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं, उनका बहुत शुक्रिया। और उनसे गुजारिश है कि इसी तरह मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहें। और उन दोस्तों के लिए जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी नई बेहतर और अच्छी वीडियो आपको फ़ौरन मौसूल हों। दोस्तों, मेरी एक वीडियो दुआ मारने का तरीका आप लोगों ने बहुत पसंद किया, उसके लिए मैं तमाम दोस्तों तमाम भाइयों का बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ। मेरी बहनों का भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने भी मेरी इस वीडियो को बहुत पसंद किया है। दोस्तों, कुछ दोस्तों की फरमाइश है कि उस वीडियो के लिहाज से कोई मज़ीद वजाहत करूँ या उस वीडियो के लिहाज से मज़ीद बेहतर दुआ मांगने का तरीका आप लोग बताऊँ। तो दोस्तों, दुआ मांगने के लिए सबसे पहले आप लोगों को चाहिए कि इंसान का दिल और नीयत साफ़ हो। दुआ की शुरुआत इस तरीके से की जाए कि जिस पाक ज़ात ने दुनिया को बनाया है, जिस रब्बे कायनात ने हम सब को सेहत, इज्जत, रिस्क, ताकत, कुव्वत, दौलत, शोहरत हर चीज़ दी है, सबसे पहले उस ज़ात की तारीफ़ की जाए। उस ज़ात की तारीफ़ करना कोई इतना मुश्किल नहीं है, हम अपने अल्फाज में भी तारीफ़ कर सकते हैं। बेशक अल्लाह ताला की ज़ात बहुत अजीम और बहुत रहीम, लेकिन अब जब दुआ करें तो बेहतर ये है कि आप दुआ के लिए अल्लाह ताला के कुछ सूरतें हैं कुरान पाक की, वो पढ़ लें। जैसे कि छोटी सी सूरत है, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद लम युलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। दोस्तों, इस सूरत में अल्लाह ताला की वहदानियत, बड़ाई, बहुत कुछ बयान है। ये दुआ शुरू करने के लिए बेहतरीन दुआ है, आप ये पढ़ लें या अलहम शरीफ का वेद कर लें, वो भी बहुत 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 फ़ायदेमंद है। दोस्तों, अल्लाह ताला की तारीफ़ के बाद दुआ के अंदर आप लोग उसके हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में दुरूद पाक का वेद करें। दुरूद पाक अगर आप ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहते तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, अस्सलातु वस्सलाम अलैके रसूलल्लाह पढ़ लें या कोई भी बेहतर से दुरूद पाक पढ़ लें। उसके बाद सच्चे दिल से अल्लाह से दुआ करें। दोस्तों, मेरा अकीदा है, मेरा मानना है और हम मुसलमानों का मानना है कि सच्चे दिल से रब से कुछ मांगा जाए तो ज़रूर मिलता है। मेरे दोस्तों से गुजारिश है, तमाम भाइयों से गुजारिश है कि वो सच्चे दिल से इस तरीक़ेकार से अल्लाह ताला की तारीफ़ कुल हुवल्लाहु पढ़ के या अलहम्द शरीफ पढ़ के, उसके रसूल की तारीफ़ उन पर दुरूद पाक भेज के, उसके बाद अपनी दुआ मांगे, इंशाल्लाह ज़रूर कामयाबी होगी और इंशाल्लाह हर दिल की मुराद पूरी होगी। दोस्तों, मेरी चैनल को इसी तरह पसंद करते रहें और मेरी दुआ को लाइक्स करें। दोस्तों, तमाम भाइयों का बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।